नागपुर के देशाभूमि स्थित स्तूप की सजावट नए सिरे से आकर्षण पद्धति से की जा रही है, जिससे आने वाले कुछ महीने में सजावट का कामकाज पूरा किया जाने वाला है। 9 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। नागपुर के ऐतिहासिक देशाभूमि में यूं तो 365 दिन भी भारतवर्ष से कई लोग अनुयायी इनका आना जाना रहता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जो अनुयायी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक 63वां महापरिनिर्वाण दिन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब की यादें, उनके विचार, उनके द्वारा किया गया संघर्ष आदि को याद करते हुए हर वर्ष अनुयायी मुंबई के चैत्य भूमि और नागपुर के दीक्षा भूमि पर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करने के लिए लाखों की संख्या में अनुयायियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और उस दीक्षा समारंभ की जवाबदारी जिनके कंधों पर दी थी वो उस समय के दीक्षा भूमि के धम्म दीक्षा आयोजन समिति के आयोजक और उस समय के नागपुर नगरी के उप महापौर सदानंद जी फुलझले साहब, इनके कंधों पर वो दीक्षा समारंभ की तैयारी दी थी और वो आज भी वो उम्र के 92 साल में वो ये सारे दीक्षा भूमि के तैयारी में उनका मार्गदर्शन उनका नेतृत्व में स्मारक समिति काम करती है। हम उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आने वाले 6 दिसंबर को, कल 6 दिसंबर को बाबा साहब का 63वां महापरिनिर्वाण दिन है, उस महापरिनिर्वाण निमित्त के लिए देश विदेश से और भारतवर्ष से लाखों अनुयायी बाबा साहब को वंदन करने आते हैं, बाबा साहब का आदरांजलि अर्पित करने आते हैं। उनकी सारी व्यवस्था जो जो जन सुविधा है वो सारी स्मारक समिति हम उसकी व्यवस्था करते हैं, उनको पानी की, उनके आरोग्य की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था स्मारक समिति करती है और अनुयायियों को कोई भी तकलीफ ना हो इसका हम स्मारक समिति ध्यान रखती है। इसमें हमारे साथ नागपुर का पुलिस प्रशासन, नागपुर की महानगर पालिका, NIT, महाराष्ट्र शासन के सारे सरकारी विभाग एवं समता सैनिक दल और बाबा साहब के अनुयायी हमको साथ देते हैं। नागपुर नगरी के सारे जाति धर्मविद धर्मदातीत के लोग भी इसमें हमारा सहयोग करते हैं, उनके लिए हम उन्हीं सभी का अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। 14 एकड़ में फैला दीक्षा भूमि परिसर यहाँ लगे पंचशील के झेंडों से अधिक आकर्षक लग रहा है। भारत के कई राज्यों के साथ साथ गोवा से भी लोग यहाँ आकर नमन कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मन को काफी शांति महसूस होती है, ऐसी जानकारी गोवा से आए लोगों ने कही है। दीक्षा भूमि पर 63वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में पूरे राज्य से कई अनुयायी यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद में आप देख सकते हैं कि नागपुर की ये वही ऐतिहासिक पवित्र दीक्षा भूमि है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में 63वां महापरिनिर्वाण दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो हुआ था उसको लेके लोग यहाँ पे माथा टेकने, नमन करने इसी ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे आने वाले। आप थोड़ा अगर इधर में प्यान करके बताएं तो अभी आपको भले कुछ दिख न रहा हो लेकिन ये वो मैदान है कि कल यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी, यानी इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था जो है मेरे से आप दाईं ओर सीधा देख सकते हैं, वहाँ पे उस और पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इस पंचशील के जो झंडे लगे हुए हैं इससे पूरा क्षेत्र सराबोर उठा है, हर किसी में एक अपनापन है। और ये जो ऐतिहासिक दीक्षा भूमि ये 14 एकड़ में फैली हुई है, यहाँ स्टॉल लगाई दिखाई देंगे, यहाँ विद्यार्थी जो है वो भी रहने वाले और बड़े आप दाई और देख सकते कि ये वही बोधि वृक्ष है जो तीन की जो शाखाएं थी, एक थाईलैंड और महागया में एक गई थी और इसके बाद में नागपुर में ये एक छोटा सा बोधि वृक्ष का ये पेड़ लगाया गया था, पौधा लगाया गया था, आज बड़े पेड़ में तब्दील हो चुका है और इसकी छत्र छाया में कई लोग यहाँ पे आते हैं जिनको पढ़ाई करना होता है, इसी छांव में बैठ के वे लोग पढ़ाई का आनंद भी लेते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और इसी ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे आके नमन करते हैं। और इस प्रकार से लोगों का आप देख सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पैन कीजिए, लोगों का आना अभी से शुरू हो गया है। इस प्रकार से लोग धीरे 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 जो जो उनको वाहन मिलते हैं जैसे ट्रेन हो, प्लेन हो, पैदल हो, जो भी मिलता है उससे वे लोग जल्द से जल्द इस पवित्र दीक्षा भूमि स्थली पे आना चाहते हैं क्योंकि हर कोई बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि मैंने शुरू के दौर में आपसे कहा था कि लोग सिर्फ भारत वर्ष से नहीं भारत के बाहर से भी आए, अब हम बता सकते कि गोवा से भी लोग आए हैं जो यहाँ पे अभिवादन करने के लिए, ये तमाम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे। आइए उनसे जानना चाहेंगे, सर कैसा लग रहा है आज इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे आने के बाद?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग सब गोवा से आए हैं नागपुर में, हमारा कॉन्फ्रेंस है जूनियर चैंबर इंटरनेशनल का, नेशनल कन्वेंशन है, सब नागपुर में हमारे 3000 लोग आए हुए हैं और आज हम नागपुर घूमने निकले। सबसे पहले दीक्षा भूमि आए, दीक्षा भूमि आके फीलिंग बहुत अलग है, बहुत ही बढ़िया जगह बनाई है अम्बेडकर जी ने और बुद्धा जी का यहाँ टेम्पल है, बहुत अच्छा है। अब हम आगे जा रहे हैं घूमने के लिए नागपुर में, सबको बहुत शांति मिली यहाँ आके। आपको क्या लगा? बहुत शांति है यहाँ पे, इट्स वेरी नाइस एंड पीसफुल। थैंक यू। इट्स वेरी नाइस, वी विजिटेड एंड इट इज़ अ वेरी काम एंड पीसफुल प्लेस। ये प्लेस बहुत ही यूनिक है, नागपुर एक सेंटर ऑफ द कंट्री है बट यहाँ पे जो बुद्धिज़्म का एक नींव रखी गई थी उसका एक बहुत ही अच्छा नमूना यहाँ पे हमको आके देखने को मिला है। थैंक यू। बिल्कुल, हो भी क्यों ना, आप ये सब लोग हमसे जुड़ चुके, एक एक बाबा जी भी क्या कहना चाहोगे आप? बाबा साहेब अम्बेडकर म्हणजे धन्य भीम भगवान दलित जन तारण आहे ते हम्मे, बड़ा क्या उपकार देश पर मानव उन्नत करणे में, आणि मानव उन्नतीचं कार्य मानव समाजाला घडून घेण्याचं कार्य या जगात जर या महामानवाने केलं असेल तर श्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। बिलकुल सही बात तुम्ही फरमा सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी गोवा से हो? येस, मैं भी गोवा से हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है आने, जैसे हम लोग अंदर एंट्री किया था बहुत ठंडी है और सुकून पीसफुल है यहाँ पे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू। बिल्कुल, एक बाबा साहब ने जिस प्रकार से इन तमाम लोगों को जो एक शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, ये वही पवित्र दीक्षा भूमि है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व से लोग आते हैं और यहाँ पे अभिवादन करते, चाहे फिर गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो या और भी कोई ऐसे प्रांत हो, दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और नमन करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 63वें महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर में अब लोगों का आना लगातार शुरू है, कल पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नागपुर की इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से कैमरा पर्सन वीरू के साथ संजय मीरा, INBCN न्यूज़ नागपुर।